सर, ये जो आज जो आप लोगों ने रात में जो मीटिंग की थी, जो शूटर पकड़ा गया है जिसको आप लोगों ने पुलिस के हवाले किया है, उसमें ये आरोप मतलब कि जो कोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचा था वहाँ वो अपने आरोप से पलट गया है। उसने कहा कि आप लोग के दबाव में आके उसने बयान दिया था। उसकी जांच करो, वो कहाँ से आया, वो गोली की बात कर रहा है, कहाँ से वो कर रहा है, क्या उसका वो है, वो इसीलिए तो पुलिस को दिया कि उसकी जाँच करो कौन है। देखिए, आप भी जवान रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के और अब किसान हैं, लेकिन आपको पता होगा पुलिस की दाव पेच जो ये बात निकल कर सामने आ रही है, तो क्या इसमें पुलिस की कोई साजिश में नजर आ रही है? अब क्या पता, तीन स्टेट की पुलिस को हमने दिया है, वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, तो तीन स्टेट की पुलिस उससे जांच करें कि कौन है वो, किस तरह की वो बात कर रहा था, उसकी सच्चाई क्या है। और जो आज आप लोग की बैठक हुई है, जो कल सरकार ने बोला कि आप इस प्रस्ताव पर एक बार फिर चर्चा करें, इस पर हम कोई भारत सरकार हमारी एडवाइजर बॉडी की कमेटी का मेंबर थोड़ा है कि वो कहे कि हम चर्चा करेंगे, हमने कर ली। तो जो बैठक मंजूर नहीं है, आज जो बैठक हुई है तो और इशू पर हो रही ना कि 26 तारीख में कैसे व्यवस्था बनानी, बैठक तो उस पर है, और बहुत इशू है। जो रैली निकलने वाली है आपकी, और रैली निकलेगी 26 तारीख, वो निकालेंगे आप? नहीं नहीं, हम नहीं कहते कि 2 साल के लिए करो, हम तो पूर्ण रूप से कानून भी फिर चाहिए, वो फिर चाहिए, खत्म चाहिए। 26 जनवरी की तो रहेगी तैयारी, दिल्ली चलेंगे। लेकिन पुलिस जो आपको रोक रही है दिल्ली जाने से? नहीं रोक रही, वो बातचीत होगी उनसे। आपने एक बयान दिया कि जो पुलिस जो भी हमें रोकेगा उसका हम बग्गल उधेड़ लेंगे। अरे क्यों सुधर जा, बग्गल किसका कह रहे हो, तो 6 दिन पहली बात थी, हो गया तो खत्म, जब काम कहानी होगी। हाँ, झंडों की मांग की थी सरकार से, क्या लगता है आएंगे? सरकार ने दिए नहीं अभी जी, तो इसी बारे में तो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए क्या लगता है? आप पूछ देंगे, दिल्ली पुलिस ने कहा था 20,000 देने के लिए, आए नहीं अभी। दिल्ली पुलिस तो आपको परमिशन देने से रही? अरे दे दी, घुछड़ू दे दी। तो ये थे राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने कहा है कि वो अपनी रैली को निकालेंगे, और जो जो जिनको गिरफ्तार किया गया, ये थे दिल्ली, ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिन्होंने कहा कि जो उन्होंने पकड़ा, जिस शूटर की बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को उसको सौंप दिया है, और वो आगे की जांच करेंगे तो फिर पता चलेगा। उन्होंने अपने आरोप पर कायम है कि जो उन्होंने कहा वो क्या करता नहीं करता ये दिल्ली पुलिस तय करेगी, और रैली को लेकर कहा कि हम रैली निकाल रहे हैं और निकालेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। कैमरामैन फारूक सिद्दीक फारूक खान के साथ मैं डीवी लाइव दिल्ली।